बहुत ही कम तेल मसालों में आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान टेस्टी हेल्दी झटपट बनने वाला नाश्ता, जिसे आप फटाफट ब्रेकफास्ट में बच्चों के टिफिन में बना के दे सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य को बहुत भाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं शामिल, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 4 पीस ब्रेड। तो आप व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज ब्रेड का इस्तेमाल किया है। तो कई बार जब फ्रिज हम खोलते हैं तो 2-4 ब्रेड मिल ही जाते हैं, तो आप झटपट इस हेल्दी टेस्टी नाश्ते को बना सकते हैं। साथ ही डाल दीजिए 1/4 कप सूजी, यानी कि 4 चम्मच। तो सूजी आप मोटी बारीक कोई भी ले सकते हैं। बिना पानी डाले इसी तरीके से हम कुछ सेकंड के लिए पहले पीस लेंगे। तो देखिए, पीस लिया है और ब्रेड के क्रम्स बन चुके हैं और सूजी भी बारीक हो चुकी है। और अब डाल दीजिए 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, नमक स्वाद अनुसार, 2 से 3 चम्मच दही, और साथ ही में डाल दीजिए 1/4 कप पानी। अगर पीसने के टाइम जरूरत महसूस होगा तो थोड़ा पानी हम और डालेंगे। वापस से हम पीस लेते हैं। तो कुछ सेकंड के वापस से पीस लिया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितना स्मूथ हमारा बैटर हो चुका है। तो दोबारा से मैंने 1/4 कप पानी और डाला था, टोटल मैंने 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया। और अब एक बोल में निकाल लीजिए। तो दोस्तों, आप चाहे ना तो इसमें 1-2 चम्मच और सूजी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। बैटर इसी तरीके का गाढ़ा होना चाहिए, तो पानी आप भी धीरे धीरे ही डालिएगा। जार से हम चम्मच से ही बैटर निकालेंगे, बिल्कुल भी पानी डाल के बैटर ना निकालें, वरना हमारा मिक्स पतला हो जाएगा। और अब हम इस बैटर में थोड़ी सी सब्जियां डालेंगे। तो 1 चम्मच टमाटर डाल दें छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, यानी कि 1 छोटा टमाटर, 1 चम्मच शिमला मिर्च, सब्जी को छोटे टुकड़े में ही काटे, 2 चम्मच प्याज। बस इतना ध्यान देना है कि जो भी हम सब्जी डालेंगे थोड़ा मात्रा में डालेंगे। अब जाएगा 1 चम्मच धनिया पत्ती, 1 चम्मच गाजर, 2 से 4 करी पत्ता। करी पत्ता को मैंने बारीक काट लिया है। तो बिना मसालों का हम आज नाश्ता बना रहे हैं, इसलिए फ्लेवर के लिए डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। और करी पत्ता डाला है ना, तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और इसमें हम कोई भी मसाले नहीं डालेंगे। इसी तरीके से बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो दोस्तों, सब्जी आप अपने इच्छा अनुसार कोई दूसरे भी डाल सकते हैं, जो भी आपको सब्जी मन हो उसे डाल के इस नाश्ते को बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आज मैं आपको कम मात्रा में नाश्ता बनाना बता रही हूँ। अगर आप ज्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो जितनी मैंने सामग्री बताई है उसका दुगना कर लीजिएगा। और अब हम बिल्कुल भी बैटर को रेस्ट पे नहीं रखेंगे। आखिर में डाल दीजिए 1/2 टीस्पून इनो या फिर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, दोनों में से कोई एक चीज डालें। अगर आप सोडा बेकिंग पाउडर दोनों नहीं डालना चाहते तो इसी प्रकार बना लीजिएगा, तब भी सॉफ्ट और बहुत अच्छे बनेंगे। तो थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं ताकि अच्छे से मिल जाए। पहले ऊपर ऊपर मिलाएं और फिर हम हल्के हाथों से मिलाएंगे। तो थोड़ा सा सोडा या इनो डाल देने से नाश्ता काफी सॉफ्ट, फुला फुला, फ्लफी बनता है। तो हल्के हाथों से ही हमें मिलाना है। बैटर हमारा तैयार है, चलिए बिना देर किए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब पैन या कढ़ाई या तवा चढ़ाएं, इसमें डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच ऑयल। तो ऑयल हम चारों तरफ फैला देंगे ताकि बिल्कुल भी ना चिपके। और अब आपकी इच्छा हो तो 1/4 टीस्पून राई डाल दें और साथ ही डाल दीजिए 1/4 टीस्पून सफ़ेद तिल। दोनों चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं, तड़का हमें नहीं चलाना है। जैसे ही डालिए तुरंत डाल दीजिए बैटर। डालने के बाद फैला लें। तो हम 2 बैचेस में बनाएंगे। और अब आपकी इच्छा हो तो किनारों से इस तरीके से दबाव दे सकते हैं ताकि गोल आकार आ जाए। फ्लेम को हम लो रखेंगे और ढकते हुए 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट हो चुका है। जब पूरी तरीके से ऊपर से सूख जाए और लाइट गोल्डन कलर आपको दिखने लगे, तभी आपको पलटी करना है। कच्ची में पलटी नहीं कीजिएगा दोस्तों, वरना टूट भी सकते हैं। तो थोड़ा ऑयल हम दूसरी तरफ भी लगा देते हैं ताकि ना चिपके। और अब हम पहले किनारों से अलग कर लेते हैं। और अब हम प्लेट लगा के उलटेंगे क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। आप चाहें तो इस स्पैचुला से भी उलट सकते हैं। तो इस तरीके से रखिए, फ्लेम को बिल्कुल लो रखिए और हम पलट लेते हैं और वापस से हम डाल देते हैं।
तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि शुरू से लेके आखिर तक धीमी आंच पे ही पकाना है। और अब आपको ढकने की ज़रूरत नहीं, इसी तरीके से हम पीछे से भी 3 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो देखिए दूसरी तरफ से भी बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो वापस से मैंने पलट लिया है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। तो जब दोनों तरफ से सेक जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, तब आप स्पैचुला से उलट सकते हैं। ब्रेड से बना रहे हैं ना, इसलिए बहुत ही सॉफ्ट नाश्ता है। तो बस प्लेट में निकाल लें। इसी तरीके से हम सेकंड बैच बना लेंगे। तो लीजिए दूसरा भी सिक्के तैयार है। तो चलिए फटाफट सर्व करते हैं। तो दोनों गर्मा गर्म नाश्ते को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इतनी टेस्टी मज़ेदार है कि कोई चटनी की आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी। वैसे आप चाहें तो तीखी हरी चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटो केचप के साथ ही सर्व किया है क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। और जैसा मैंने कहा कि आप सूजी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, तो जब रोज के नाश्ते से मन भर जाए तब आप इस नाश्ते को बनाएं, मुंह का स्वाद ही बदल जाएगा और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और हफ्ते में एक बार आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दें, पूरा लंच बॉक्स ख़त्म करके आएंगे। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 2 ब्रेड उत्पम बनके तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों आप चाहें ना तो इस नाश्ते को अप्पे मेकर में भी बना सकते हैं या फिर बिना सोडा इनो का चीले जैसा भी बना सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है, हाथ रखते के साथ देखिए टूट गए हैं और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं, बिल्कुल भी कच्ची कच्ची नहीं है। तो आप भी इस तरीके से ब्रेड के उत्पम बनाएं। तो ब्रेड के स्नैक, ब्रेड सैंडविच से भी आपको टेस्टी लगने वाला है। आपने देखा हमने बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया है, बहुत सॉफ्ट मज़ेदार नाश्ता है, एक बार बनाना तो बनता है। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आज की रेसिपी की तरह नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।